तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। ये बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सोनीपत से बड़ी खबर है, शिक्षा मंत्री की निजी स्कूलों को हिदायत उन्होंने दी है और क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको बता देते हैं। दरअसल स्कूल 5% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकते। देखिए जो निजी स्कूल हैं वो फीस में बढ़ोतरी कर रहे थे, अभिभावक परेशान थे और प्रदेश में 3,07,000 टैबलेट बांटे गए हैं और 2,00,000 टैबलेट और बांटे जाएंगे। ये टारगेट फिक्स किया है शिक्षा विभाग की तरफ से, जो बच्चों को वो टैबलेट दिए जा रहे हैं। तो साथ ही निजी स्कूलों को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया है और फीस को लेकर जो बात सामने आई है उन्होंने हिदायत दी है कि 5% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकते। देखिए अभी हमने 3,07,000 जो टैबलेट है वो वितरित कर दी है और लगभग 2,00,000 हमने और करने हैं, लेकिन अगर बच्चों की संख्या बढ़ती है तो फिर वो संख्या और भी बढ़ती है। देखिए फीस जो ली जाती थी उन्होंने कोर्टरम के पक्ष में कर दिया फैसला, फीस तो ले सकते हैं लेकिन हमने उसके ऊपर एक नियम बना दिया कि वो 5% से ज़्यादा फीस बढ़ा नहीं सकते। अगर फीस प्राइवेट स्कूल नहीं लेंगे तो चलेंगे, चल नहीं सकते स्कूल, निश्चित तौर से पैसे फीस तो लेंगे वो, लेकिन उसको 5% ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते।